ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, हमें लगता है कि वो माइक ऑफ था, ठीक ना। चलिए फिर से हम लोग बिगिन करते हैं। बात हम ये कर रहे थे कि अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी किसकी, एपोकैलिप्टिक फिक्शन तक। अब यहां से बात करें हम लोग मेटा फिक्शन कर तक का, और ये सेशन जो है बहुत छोटा सा होगा, 15-20 मिनट या आधे घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें जस्ट यहीं तक मैजिक रियलिज्म तक हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो राइटर्स स्टार्ट होते हैं, तो राइटर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे और कल करेंगे, ठीक है। और कल कोशिश पूरी रहेगी, फिर से 4 बजे ही स्टार्ट करेंगे, और कम से कम मिनिमम 3 सेशन या 4 सेशन करेंगे ताकि ये खत्म हो सके, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक ना। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ किया था कि मेटा फिक्शन क्या है, व्हाट इज मेटा फिक्शन, पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हम ये जरा आपको अगर इरेज कर दें तो बेटर है। हाँ, पहला क्वेश्चन हमने किया था मेटा फिक्शन। किसी को आंसर देना है, व्हाट इज मेटा फिक्शन? देखिए, मैंने बताया कि जब कहीं भी वर्ड मेटा लग जाए, क्या लग जाए, मेटा अगर वर्ड आ जाता है एज प्रिफिक्स किसी के पहले, तो जिसके पहले आ जाता है मींस की बात उसी के संबंध में हो रही है। इसका मतलब है मेटा फिक्शन इज द टाइप ऑफ फिक्शन विच इज कॉन्सियस अबाउट द जॉनरा फिक्शन, मींस जहां पर फिक्शन के विषय में ही बात हो रही, मींस कि ऐसा नॉवेल जिसके अंदर नॉवेल की ही बात हो रही। बात समझे कि नहीं? जैसे मेटा ड्रामा है, तो ऐसा ड्रामा जिसमें ड्रामा के क्रिएशन की बात हो रही है, मेटा फिक्शन जहां पर फिक्शन के क्रिएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ये बनता है कि कॉइनेज से पहला क्वेश्चन बनता है कि किसने किया, दूसरा कब किया, और तीसरा किस वर्क में किया, ठीक है। तो किसने और कब किया ये हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर से लिखते हैं। तो किसने किया, विलियम एच गॉस ने, ठीक है, किसने, विलियम एच गॉस ने, ठीक है, ये क्रिटिक है, ठीक ना। दूसरी चीज है कि कब किया, 1970, किस कब 19, देखो नॉवेल विद इन नॉवेल थोड़ा सा कम ठीक होगा, इतना कहा जा सकता है कि दिस कॉन्शियस अबाउट इटसेल्फ, ठीक है, कहा जा सकता है उसको भी, ठीक है। और तीसरी चीज, कहां पर किया, किस वर्क में किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ, फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ ऑफ लाइफ, ठीक है। ये विलियम एच गॉस की बुक है, कब पब्लिश हुई थी, 1970 में, और यहीं पर इन्होंने टर्म कॉइन किया, बात की किसकी, मेटा फिक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट है कैंपस नॉवेल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एंड क्या है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम कौन सा है ये आपको बताना है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर कैंपस नॉवेल, व्हाट इज द अदर नेम फॉर कैंपस नॉवेल। एकेडमिक नॉवेल, बहुत अच्छी मानसी, तो दूसरा नाम इसका क्या है, एकेडमिक नॉवेल, एकेडमिक नॉवेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें बात क्या होती है, व्हाट इज दिस कैंपस नॉवेल। दूसरी चीज, इसका जो टाइप है वो बेसिकली सेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नाम किसकी वजह से आया, नाम आया सेटिंग की वजह से, ठीक है, सेटिंग की वजह से, ठीक है। सेटिंग कहां होगी, इन अ कैंपस, इन अ ऑफ सम एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो कोई कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे चेतन भगत का नावल है, अभी मैं पढ़ रहा था, कौन सा था, टू स्टेट्स। तो टू स्टेट्स जो है वो एक आईआईटी, सॉरी आईआईएम के कैंपस में बेस्ड है, ठीक ना। तो वो क्या है, एक तरीके का कैंपस नॉवेल होगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा इसकी सिमिलरिटी कमिंग ऑफ एज नॉवेल से भी है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल का मतलब है कि जहां पर जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी ग्रोथ दिखाई जा रही है, ठीक है। तो वहां पर कैंपस की सेटिंग में जो हीरो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई जाती है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल, ठीक है। दूसरी जो बात है वो आपको बताना है कि क्वाइन किसने किया, ठीक है। बात समझ में आ गई, तीसरा आपको बताना है एग्जाम्पल्स। सोशल प्रॉब्लम नॉवल, ठीक है, ये तो बात सही है लेकिन अधूरी है मानसी। सोशल प्रॉब्लम नॉवल है बट बात अधूरी है। सोशल प्रॉब्लम कहाँ की, ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जहां पर इंग्लैंड के कंडीशन की बात की जाए, इंग्लैंड की सोशल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, वो है कैसा नॉवल, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल्स, ठीक है। ये कुछ एक सीमित दायरे में, एक सीमित टाइम पीरियड में लिखे गए थे, वो कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जो इसका क्वाइनेज है, किसने क्वाइन किया, हु क्वाइन दिस टर्म, तो क्वाइन किया था टॉमस कार्लाइल ने, टॉमस कार्लाइल, ठीक है। कहां पर किया था, इन चार्टिज्म, ये इनका एक नॉन फिक्शनल वर्क है, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था, 1839 में। बात समझ में आ गई, वहीं से शुरू हुई इस टाइप की बात। हाँ, हार्ड टाइम्स इसका एग्जाम्पल है, चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, तो उसमें एक तो आपने बता दिया हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स, दूसरा बेंजामिन डिजरली के दो नॉवेल्स हैं, ठीक ना, बेंजामिन डिजरली के दो नॉवेल्स, एक लिखिएगा क्वाइंस बाय, COIN G, सॉरी गलत है स्पेलिंग, COINIGSY, ठीक है, कॉनजस बाई। दूसरा है किसका, इन्हीं का, बेंजामिन डिजरली का ही, जिसका नाम है सिबिल, SYBIL, सिबिल, क्लियर। हार्ड टाइम्स आपने लिखा, मेरी बर्टन का नॉर्थ एंड सॉरी एलिजाबेथ गैस्कल का मेरी बर्टन, और नॉर्थ एंड साउथ भी क्या है, कमिंग ऑफ एज नॉवेल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर ले, ठीक है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल किसका है, एलिजाबेथ गैस्कल का मेरी बर्टन एंड नॉर्थ एंड साउथ, चार्लेट ब्रांटी का सरले, SHIRLEY, चार्लेट ब्रांटी का सरले,
और चार्ल्स किंग्सले का दो नावल है, एक एल्टन लॉक, दूसरा ईस्ट। ठीक है, एल्टन लॉक एंड ईस्ट, YEAST, ये सारे नावल कैसे नावल हैं? कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नावल्स। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैजिक रियलिज्म। देन पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मैजिक रियलिज्म, और इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज, और इसका दूसरा नाम। चलिए हम बताते हैं, आप लिखते रहिए अपना आंसर। पहला नाम है, दूसरा नाम इसका है मार्वेलस रियलिज्म। क्या है? मार्वेलस मार्वेलस रियलिज्म। दूसरी चीज क्या है ये? उसमें हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ रियलिज्म विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, बात सुनना भी, मैजिक रियलिज्म क्या है, और इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है वो आपको मिलता है किसके पास? सलमान रुश्दी। नावल कौन सा है ये आप बता दीजिए। सलमान रुश्दी का नावल कौन सा बताइए। एक राइटर और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ठीक है, जी, मार्केज में 60 में लिख रहा हूं, आप पूरा समझिएगा। ठीक है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, जी मार्केज, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये वर्क है सलमान रुश्दी का, जिसमें यूज किया है इन्होंने कौन सा टेक्निक? मैजिक रियलिज्म। ठीक है, यहां तक ये हम लोगों ने एक बेसिक बात की कि नावेल क्या है, टाइप्स क्या है फिक्शन पर, जो हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था। ये बेसिक रिवीजन है, लगभग 1 घंटे के दोनों सेशन हुए हैं, इतने में हम लोग इतनी चीजें, और हमने की है टोटल पूरी 6 स्लाइड्स। अब यहां से नेक्स्ट बिगिन होगा आगे जो हम लोग करेंगे मगल्दी सर्वांटीज से, और उसके आगे का चीजें राइटर वाइज वर्क्स वाइज हम लोग चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल का क्लास अभी से मैं बता रहा हूं 4 बजे होगी, और आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, और एटलीस्ट 3 सेशंस करेंगे, पॉसिबल होगा तो 4 सेशन भी हम लोग कर सकते हैं, और कोशिश होगी कल खत्म करके तब हम लोग 20th सेंचुरी नावल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये एक रिवीजन बन जाएगा, चीजें जो भूल गए हैं वो याद आ जाएगा, क्योंकि ये जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की इनकी जरूरत आपको आगे 20th सेंचुरी नावल में पढ़ने वाली है। ठीक है, और ताजा हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनका बैकग्राउंड बन जाएगा, वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फिर से जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में।